तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन पल्नरी एम्बुलिजम जिसमें हम देखेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या है इथियोलॉजी क्या है उसकी दैन अगेन हम देखेंगे उसकी पैथ तो फिजियोलॉजी क्या है साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और उसके साथ हम देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटीरिया देखेंगे और ट्रीटमेंट भी जाएँगे कि ट्रीट कैसे करते हैं उसको ठीक है तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है पलनरी एम्बुलिज्म पल्नरी एम्बुलिज़म क्या है पलनरी एम्बोलिजम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इफ़ देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इनसाइड द आर्टीरियल पलनरी आर्टीरियल सिस्टम ठीक है तो हम उसको क्या कहते हैं अपन सर्कुलेशन के अंदर अगर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो तो हम उसको कहते हैं क्या पलनरी एम्बोलिज्म ठीक है सवाल ये है कि ब्लड क्लॉट जो है वो बनता कैसे है क्यों बनता है कहाँ बनता है और यहाँ पर आके स्टक कैसे हो जाता है हम उसको देखते हैं कि उसके कॉजेज़ क्या है सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन्हीं को सो so, टॉपिक है हमारा पलनरी एम्बोलिज्म पलनरी एम्बुलिजम के देखेंगे हम सबसे पहले इथियोलॉजी इथियोलॉजी के अंदर हम क्या क्या चेक करेंगे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे क्लॉट्स बनते हैं ठीक है द मोस्ट कॉमन कॉज इज डीप वोम्बोसिस डीवीटी सही है डीवीटी <coughs> बनती कैसी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है जब हमारे जितनी भी डीप वेन्स है जैसे कि अगर हम डिवीजन करें यहाँ से कौन कौन सी होती है हमारी कॉमन इलिक्वेन को अगर हम डिवाइड करें कि वो किस किस में डिवाइड हो रही है ठीक है कॉमन इलिक्वेन मेजर डायग्राम बनाते हैं सही है एंड ये डायरेक्ट आ रही है नीचे अगेन वी हैव One branch over here, and they will further divide like this. Clear? अभी हम इस पर देखते हैं फिर हम इसको inferior सकते हैं theek hai ये हमारी है inferior vena cava. लेट सपोज और यहाँ से आगे हमारी कॉमन इलिक्वेन शुरू होती है ठीक है कॉमन इलिक्वेन फिर उसके दो branches होती है यहाँ पे मैं जस्ट इमेजनरी डायग्राम दिखा रहा हूँ ठीक है ये होती है इंटरनल एलिक्वेन और दूसरी जो है इस साइड पे एक्सटर्नल इलेक्विन एक्सटर्नल इलेक्वेन फिर डिवाइड जाती है किसमें फेमोरल में और देन डिवाइड होती है इसके अलग फेमोरल की ब्रांच आती है हमारे पास डी फेमोरल और उसके बाद आते हैं हमारे पास जो कॉमन पेरोनियल है ठीक है कॉमन पेरोनियल और ये डिवाइड होते हैं आगे बाईफर्केट होते हैं किस में ये तीन ब्रांचेस देती है इंटीरियर ट्यूबियल पोस्टीरियर ट्यूबियल और फिर आते हैं फेबुलर वेन फेबुलर और इसको पेरोनियल भी कह सकते हो आप पेरोनियल वेन ठीक है लेट सपोज हमारा प्लॉट बन रहा है यहाँ पे इधर बन रहा है या फिर यहाँ पे या इधर या फिर जो कॉमन पेरूनियल है या डी फेमोरल में या फेमोरल में कहीं पे भी बन रहा है ठीक है वो कहाँ जा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से इन्फीरियर वेनाकेवे के थ्रू वे जा रहे हैं किस में आपके राइट एट्रियम के अंदर वहाँ से पलनरी सर्कुलेशन के थ्रू जा रहे हैं और पलनरी जो हमारे आर्टरी आर्ट्रील्स वगैरह होती है या फिर जो कैपिलरीज है उसके अंदर अपने साइज़ के फाइनर साइज़ के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं स्टक हो जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसिस हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे ठीक है बट फॉर अवाइल यू कैन ट्रस्ट मी ये हो गया यहां से कि कहाँ कहाँ पे बन रहे डीप इन थ्रुम्बोसिस कहाँ हो रही है ठीक है सेकंड जो कॉमन कॉज है वो होती है एयर एम्बोलिज्म एयर एम्बोलिज्म एयर एम्बुलेंसम जो है ये मोस्ट कॉमन होती है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं हमारे स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं कि जब वो नीचे से हाई स्पीड से आ रहे होते हैं तो गैसेस की स्लोबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है जिसकी वजह से एयर बबल्स बनते हैं वो एयर बबल्स क्या करते हैं वो आपके जो सर्कुलेशन है उसके थ्रू जा के स्टक होते हैं अगेन कॉज कॉम्प्लिकेशन इन द लंग्स ठीक है और इसको हम कहते हैं एयर एम्बुलजम क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे एयर बबल्स बन रहे हैं वाई बिकॉज वेन स्कूबा ड्राइवर्स कम विद हाई और फास्ट स्पीड तो द सेलेबलिटी ऑफ द केसिस विल चेंज उस सेलेबिलिटी की वजह से क्या होते हैं एयर बबल्स बनते हैं क्लियर थर्ड इम्पोर्टेंट कॉज जो है ये अक्सर एग्जाम में भी पूछते हैं वो है फैट एम्बुलजम फैट एम्बुलजम फैट एम्बुलजम कैसे जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसके अंदर दो टाइप का बोन मेरा होता है ठीक है एक होता है हमारा आ, जो वाइट और सॉरी रेड और एक होता है हमारा कौन सा येलो जो येलो बोन मेरा होता है वो आपके इनिशियल एरेथ्रोपाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है जब हम बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनके अंदर ये एरेथ्रोपॉइसिस कराता है ठीक है इनिशियल स्टेजेस इन अर्ली डेवलपमेंट उसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है येलो बोन मेरो और बाद में जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है एरेथ्रोपाइसिस के अंदर और वो जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स हैं उसके क्या कराता है प्रोडक्शन कराता है अब जो हमारा येलो बोन मैरो है वो तो बोन के अंदर ही है वो डिज़ोल्व तो नहीं हो रहा अगर फ्रैक्चर होता है कोई रोड साइड ट्रामा होता है या किसी भी तरह का हो सकता है आप छत से गिर जाते हैं कोई भी आपको जो है वो हो सकती है ठीक है इंजरी किसी टाइप की भी अब अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो गया लॉन्ग बोन फ्रैक्चर की वजह से क्या होगा आपका किसी भी तरह अगर येलो बोन मैरो जो है क्योंकि ये फैट्स होते हैं इसके अंदर अगर वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है देन इट विल स्टक द आर्टरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन साइज इन साइड द पलनरी सर्कुलेशन उसकी वजह से भी होता है एम्बोलिज्म ठीक है वे आर पल्नरी एम्बुलिज्म सो वी कॉल्ड इट फैट एम्बोलिज्म क्लियर अप टू दिस द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट होता है एमनियोटिक एमियोटिक फ्लूड एम्बुलिजम फ्लूड एम्बुलिज्म एमियोटिक फ्लूड एम्बुलिज्म के अंदर क्या होता है एमनिओटिक फ्लूड एम्बुलिज्म के अंदर होता है अगर कोई प्रेगनेंट है प्रेग्नेंट औरत जो है उसका किसी भी तरह से जो एमिक फ्लूड है अगर वो लीक कर जाता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एमनिओटिक फ्लूड इज हाईली एम्यूनोजेनिक इन नेचर ठीक है ये क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग शुरू कर देता है वहाँ पर उस क्लॉटिंग की वजह से अगेन ये डिसक्ॉज होगा अपनी जगह से और वहां से जाके ट्रेवल करके किस में पल्नरी साइड पे या पल्नरी सर्कुलेशन में जाके अपने साइज के अकॉर्डिंग किसी भी आर्टरीज या किसी भी आ, उसको कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकता है जिसकी वजह से पलनरी एम्बोलिज्म होती है सो वी कॉल रिट एमनियोटिक फ्लुड एम्बोलिज्म द थर्ड वन इज बैक्टीरियल और सेप्टिक एम्बोलिज्म सेप्टिक एम्बोलिज्म। बैक्टीरियल या सेप्टिक एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है जो आईवी ड्रग एब्यूज़र होते हैं ठीक है आईवी ड्रग एब्यूजर क्या करते हैं वो प्रिक करते हैं ख़ुद को अपनी स्किन को प्रिक करने की वजह से क्या होता है कि उनका स्टेफ औरज बैक्टीरिया या स्टेफिलोकॉकस बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से विजिटेशन होती है कहाँ पर जब वो प्रिक करते हैं ड्यूरिंग प्रिकिंग वो क्या करता है बैक्टीरिया साथ में ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही आ जाता है और ब्लड स्ट्रीम में से ट्रैवल करते 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 आपके राइट जो एट्रियम है वहाँ पे पहुँच जाता है क्योंकि हमें पता है राइट ए टी और वेंट्रिकल के दरमियान क्या है ट्राइक स्पीड वॉल है तो उस ट्राइक स्पीड वॉल के ऊपर वो विजिटेशन फॉर्म करता है अब वो विजिटेशन जब डिसलॉज होती है ठीक है और वहाँ से जब राइट आपका वेंट्रिकल पम्प करता है उस पम्पिंग के थ्रू क्या होता है कि वो जो बैक्टीरियल वजिटेशन है या सेप्सिस है ठीक है वो क्या आते हैं वो पर्नरी सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं और वो क्या करते हैं अगेन दे विल ब्लॉक द पर्टिकुलर साइट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन साइज और इट विल कॉज पर्नरी एम्बोलिज्म दैट्स कॉल्ड इट बैक्टीरियल और सेप्टिक एम्बोलिज्म ओके ये तो हो गया सारे इसके एथियोलॉजिकल फैक्टर्स के इन इन चीज़ों की वजह से हो सकता है बट ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन आ रही है हमें क्या पता के सब कैसे हो रहे हैं अगर डीप पेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो रही है तो कैसे हो रही है ठीक है एक बंदा था उसको हम कहते हैं वीर खो या फिर वीर चोट्राइर्ट्स ठीक है उसने कहा कि तीन पॉसिबिलिटीज है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है ठीक है और जब थ्रोम्बस बनते हैं देन इट विल लीड टू द एम्बुलस ठीक है थ्रोम्बस और एम्बुलस में फर्क क्या है थ्रोम्बोसिस ये होती है क्लॉट फॉर्मेशन किसी भी आर्टरीज या वेन्स के अंदर ठीक है अगर वो अपने लोकलाइज जगह पे रहे तो हम उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं अगर वहां से डिसलॉज हो जाए ठीक है वहाँ से टूट के किसी और जगह में जाके ब्लॉकेज करे दिस इज नॉन एज एम्बुलेंस एम्बुलेंस क्या होता है मूविंग बॉडी ठीक है तो हम डिस्कस करते हैं विरको ट्राइड को ठीक है वीरको साहब ने कहा था विरको या विरचो अकॉर्डिंग टू योर यन प्रोनाउंसिएशन आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं ठीक है, है? वेर खोज ट्राइड ट्रायड के अंदर उसने तीन चीजें बताई थी कि या तो स्टेसिस होगी ठीक है स्टेसिस या फिर होगा हाइपर कॉगोबिलिटी या फिर जो है वो किसके वजह से एंडोथेलियल सेल की इंजरी की वजह से होगा हम एक ही को डिस्कस करते हैं अगर स्टेसिस होगी तो क्यों होगी अगर हाइपर कोकेबिलिटी हो रही है तो क्यों हो रही है एंडोथिलियल सेल इंजरी जो है वो कैसे कॉज कर सकते हैं थ्रोम्बोसिस को ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं स्टेसिस को स्टेसिस काफी हमें अच्छे से समझ आ जाए स्टेसिस so, के अंदर क्या होता है स्टेसिस के अंदर हम देखते हैं मेन चीज इज द वेरी फर्स्ट वन इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी ठीक है कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है डीप पेन थ्रोम बॉस अगर हम देखें कि वेन्स के अंदर जैसे कि इलास्टिसिटी इतनी नहीं होती लेट मी ड्रॉ हियर अ ब्यूटीफुल वेन सही है दे डोंट हैव है इलास्टिसिटी जिसकी वजह से ये अपने ब्लड को ऊपर लेके आए बट जब हम मूवमेंट करते हैं ठीक है तो उस मूवमेंट के थ्रू हमारे मसल जो इसके इर्द गिर्द होते हैं ठीक है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आता है ब्लड ऊपर आता है सही है अब अगर किसी भी रीज़न से जो है इमोबाइल है आपका जो पेशेंट है या पर्सन है जिसको आप देख रहे हैं उसकी किसी भी रीज़न की वजह से इमोबिलिटी आ रही है इमोबिलिटी हो सकता है कि या तो वो सोल्जर हो ठीक है या बारबर हो जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे जाते हैं ठीक है उनमें वेरेकोज ज़्यादा कॉमन होती है लेकिन डीप इन भी हो सकती है अगर इमोबिलिटी हो अगर हम स्पेसिफिक देखें कि इमोबाइल पेशेंट कौन कौन से होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं अगर इमोबिलिटी होगी तो इट्स मीन कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो ब्लड ऊपर नहीं आएगा अगर ब्लड ऊपर नहीं आएगा तो क्या होगा वहाँ पे जाके अकमलेट होना शुरू होगा और उधर जाके क्लॉट फॉर्मेशन शुरू कर देता है ठीक है स्टेसिस पहली चीज़ और स्टेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है सही है मतलब जो नॉर्मली फ्लो होता है ब्लड का अब उसकी वायलेशन हो रही है सही है और विस्कॉसिटी ज़्यादा हो जाती है इसमें क्लियर सो so, अब डीप एन थ्रोबोसिस के अगर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रही इमोबिलिटी है तो इमोबिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं हम वो देखते हैं इमोबिलिटी के कॉजेस फर्स्ट कॉज जो इसका है या तो ये हो सकता है कॉमा ठीक है अगर किसी पेशेंट को कॉमा है प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है तो वो या फिर हो सकता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव ठीक है अगर सर्जरी हुई है तो उनके अंदर भी ये होता है ठीक है या फिर हो सकता है कि प्रोलोंग्ड फ्लाइट में हो प्रोलोंग्ड फ्लाइट ठीक है ग्रेटर देन ग्रेटर देन एट आवर्स फ्लाइट और कार राइडर सो प्रोलोंग्ड फ्लाइट और कार राइडर ठीक है इनके अंदर भी क्या होता है डिविटी होने के चांसेस होते हैं ठीक है ज्यादा रिस्क पे होते हैं ये भी उसके अलावा क्या हो सकता है अगर हाँ, जैसे कि हमने कहा कि ये मसल जो है अगर इसकी पैरालिसिस हो ठीक है ये जो है फंक्शनल हो जाए या प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे हो ठीक है अगर ये मसल अपना काम ना करे तो क्या होगा ब्लड जो है वहां पे रुकेगा, स्टेसिस होगी जिसकी वजह से ब्लड क्या होगी थ्रोम्बोसिस ठीक है तो पैरालिसिस के अंदर भी हो सकता है मसल पैरालिसिस ठीक है या फिर इसी चीज़ को अगर हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं इट कुड बी स्ट्रोक ठीक है क्योंकि स्ट्रोक के अंदर भी वन हाफ जो होता है ठीक है और डिपेंड करता है कि किस साइड पे हुआ है ठीक है तो वो पूरा पैरालाइज हो जाता है और मसल काम नहीं करते तो उसमें भी क्या होती है स्टेसिस और थ्रोम्बोसिस इसके अलावा कोई भी ट्रामा हो सकता है ठीक है उस ट्रामा की वजह से भी ये स्टेसिस वगैरह हो सकते हैं और मसल मतलब बेड रेस्ट पे जा सकते हैं आपका जो पेशेंट है ठीक है ट्रामा स्पेसिफिकली जो सेरिब्रो वस्कुलर वो होती है ठीक है आर्ट की अगर हो जाए इंजरी वंजरी ठीक है अगर हेमरेज हो जाए तो उस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे जाए वो ठीक है ये है हमारे डीवीटी से रिलेटेड ठीक है उसके काजेस हमने देखे या तो हो सकता है कॉमन में हो पेशेंट या फिर आपका पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी होते हैं अगर सर्जरी होती है माइनर मेजर सर्जरी इसके अंदर क्या होता है अगर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पर है तो तब भी डीवीटी के चांसेज़ होते हैं और प्रोलॉन्ग फ्लाइट मोर देन एट हॉर्स या कार राइडर जो होते हैं अगर एक घंटे से ज़्यादा वो भगाते हैं गाड़ियों को ठीक है तो उनका भी ये हो सकता है मसल पैरालिसिस जैसे स्ट्रोक की एग्जाम्पल हमने दी है ठीक है अगर मसल की पैरालिस हो तो तब भी जाके कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा ब्लड रुकना शुरू हो जाएगा स्टेसिस होगी वहाँ पर और क्लॉटिंग फॉर्मेशन वहाँ पर शुरू हो जाएगी और ट्रामा हो सकता है कोई भी जिसकी वजह से आप बेड रेस्ट पर जा सकते हैं ठीक है ये हो गया है डी उसके अलावा स्टेसिस में और क्या हो सकता है स्टेसिस के अंदर एक और बहुत कॉमन चीज आती है जिसको हम वेन कहते हैं ठीक है वेरिकोज ठीक है में क्या होता है लेट सपोज अगेन दिस इज और आर्ट सॉरी वेन और ये हमारे पास क्या है वेन के वॉल है सही? किसी भी रीजन की वजह से अगर ये वॉल जो है डाइस फंक्शन हो जाए अपना काम करना छोड़ दे तो क्या होगा जो ब्लड आ रहा है नीचे से ठीक है वो जो ब्लड कैरी हो रहा है रेड से लिखते हैं ताकि अच्छा दिखे ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस वॉल से ब्लड गुजर जाता है तो दिस शुड बी क्लोज क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का बैक फ्लो नहीं होगा ठीक है बैक फ्लो नहीं होगा तो अपनी जगह पर रुकेगा नहीं ठीक है स्ट्रेसिस नहीं होगी अपना जो नॉर्मल फ्लो है वो उसको कंटिन्यू रखेगा अगर टर्बुलेंस फ्लो की तरफ जाता है मामला ठीक है या वायलेशन होते हैं नॉर्मल फ्लो के तो इट्स मीन की स्ट्रेसिस हो रही है सही है अगेन तो यहाँ पे क्या होता है अगर स्टेसिस होती है या फंक्शन है तो ये वाला ब्लड जो ऊपर तरफ जा रहा था वो दोबारा बैक फ्लो करना शुरू कर जाता है और अकमलेट होता है इस पार्ट के अंदर ठीक है जिसकी वजह से वेंस की डिस्टेंशन होती है ठीक है और इसको हम क्या कहते हैं वेन हाईली पेनफुल होती है और विजिबल भी होती है कॉमनली इन बेस पीपल और उनके अंदर ज़्यादा दिख जाती है ईजिली ठीक है तो ये वेन थर्ड जो इसका कॉमन कॉज है स्टेसिस का ठीक है जिसकी वजह से स्टेसिस होती है वो क्या है वो होते हैं कंप्रेशन ठीक है लेट सपोज अगेन दिस इज और वेन लेट सपोज यहां पे कंप्रेशन हुई है ठीक है अब डू रिमेंबर जहां पे कंप्रेशन होगी कंप्रेशन के बिल्कुल साथ जो प्रोक्िमल पार्ट है ठीक है स्टेसिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन उसी जगह पे होती है ठीक है कंप्रेशन के कॉजेज क्या है कंप्रेशन के कॉजेज में से आते हैं सबसे पहले जो है प्रेगनेंसी ठीक है अगर प्रेगनेंसी है वहां पे तो वो क्या करती है वो पुश करती है उसको ठीक है वेन्स को जिस वजह से कंप्रेशन होती है और कंप्रेशन की वजह से स्टेसिस एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन फर्स्ट सेकेंड जो है उसको हम कहते हैं एक और जो मोस्ट कॉमन होता है उसको हम कहते हैं इसके अंदर ओबेजिटी ठीक है ओबेजिटी दिस इज द सेकंड कॉमन कॉज ऑफ कंप्रेशन ठीक है जब कंप्रेशन होगी ओबेजिटी की वजह से तो क्या होगा अगेन स्टेसिस एंड ऑल ठीक है और थर्ड थर्ड कंडीशन होती है ठीक है थर्नर सिंड्रोम थर्नर सिंड्रोम ये समझने वाला पॉइंट है मिथर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है लेट सपोज यहां पे हमारा वर्टीब्रा है ठीक है ये हमारा वर्टीब्रा है इमेजनरी डायग्राम अगेन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है वी हैव आर्ट्री हियर वी हैव वेन ठीक है क्या होता है जो हमारा इल, इलिक है जो हमारी ठीक है इलिक आर्टरी और एल फाइव के दरमियान किसके एल फाइव के दरमियान यहाँ पे होती है हमारी इलिक वेन इन दोनों की कंप्रेशन की वजह से या इन दोनों के कंटिन्यूस प्रेशर की, की वजह से क्या होता है ये जो इलिक वेन होती है इसकी कंप्रेशन होती है अगर कंप्रेशन होगी अगेन क्या होगा यहाँ पे स्टेसिस अगेन वायलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो अगर वायलेशन हो रही है तो विल बी स्टेसिस एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन विल बी देयर ठीक है तो ये हमारे कॉमन कॉजेज के प्रेगनेंसी ओबेजिटी और मिथन सिंड्रोम आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंप्रेशन ठीक है ये है अबाउट स्टेसिस अब हम देखते हैं स्टेसिस के अलावा हमने कहा था कि विरको ट्रायड के अंदर हाइपर कोगबिलिटी ये कैसे होती है द सेकेंड वन इज हाइपर कोगबिलिटी लेट सपोज दिस इज ए एंड हेयर वी हैव अ बी हाइपर कोगबिलिटी गोबिलिटी इसके अंदर क्या होता है देखो सिंपल फिनोमिना है हाइपर कोगबिलिटी कब होगी तब होगी जब हमारे प्रोकॉगलेंट इंजाइम इंक्रीज होंगे या हमारे जो एंटी कोगलेंट इंजाइम है ठीक है एंटीकॉगलेंट इंजाइम अगर डिक्रीज होते हैं उसकी वजह से हाइपर कोगुलेशन होगी ठीक है हाइपर कोगुलेशन इज नथिंग बट क्या होती है कि यहाँ पे जो एग्रीगेशन हो जाती है प्लेटलेट की ठीक है जिसकी वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है ठीक है क्लियर हम डिस्कस करते हैं हाइपर कॉकबिलिटी के अंदर दो चीजें हम देखेंगे द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रो क्वागुलेंट इंजाइम ठीक है हाइपर कॉकेबिलिटी हमेशा ये दो चीजों की वजह से होती है या तो जेनेटिक कॉज होंगे या एक्वायर्ड होंगे अब हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपर प्रॉगेबिलिटी में जेनेटिक कॉज क्या है ठीक है इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोकॉगलेंट इंजाइम अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा ठीक है इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोकॉगलेंट इंजाइम कौन कौन से होते हैं ये है हमारा फैक्टर फाइव लाइडन ठीक है पहला सेकंड वन सेकंड वन जो हमारा है वो है प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन या लिख सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन जीन्स म्यूटेशन अगेन समझते हैं कैसे फैक्टर फाइव लेडन जो है हाईली कोगुबिल इन नेचर ठीक है हाइपर कोगुबिल इन नेचर उसके साथ साथ ये क्या करता है कोगुलेशन तो करता ही करता है प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है इसको अगर हम स्प्लिट करें प्रोको और थ्रोम्बिन को तो क्या बन रहा है प्रोमिन बिफोर और थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन जो हमारा कोगुलेशन करवाता है ठीक है और जब ये टूटते हैं तो क्या होता है ज्यादा थ्रोम्बिन बनते हैं ज्यादा थ्रोमबिन बनेंगे तो ज़्यादा कोगुलेशन होगी ठीक है दैट्स वाई अगर यहाँ पे म्यूटेशन होती है म्यूटेशन की वजह से प्रोथ्रोम्बिन ज्यादा बनेगा प्रोथ्रोम्बिन का अमाउंट ज्यादा होगा तो थ्रोम्बिन ज्यादा होंगे थ्रोम्बिन ज़्यादा होगे तो देअर विल बी हाइपर कोकोबिलिटी स्टेट ठीक है हाइपर कोगुलेशन होगी तब जाके सही है और ये हमेशा क्या है जैसे कि अभी मैंने कहा दे आर द जेनेटिकल कॉज ठीक है अगर डीएनए के अंदर कहीं भी म्यूटेशन होती है ठीक है तो देयर विल बी हाइपर कोगुलेशन ठीक है ओके गुड नेक्स्ट थिंग हमने कहा नेक्स्ट में कि इट कुड बी ड्यू टू द डिक्रीज एंटाइकॉगुलेंट इंजाइम ठीक है एंटाइकॉगुलेंट कोगुलेंट इनजाइम अगेन दिस इज जेनेटिक ठीक है अगर एंटाकोगलेंट इंजाइम की डिफिशेंसी होती है तो क्या होगा जो हमारा वैसे फंक्शन क्या है एंटाइकोगलेंट इंजाइम का नाम से जाहिर है दे विल नॉट लेट ब्लड टू फॉर्म थ्रोम्बस और कोगुलेशन नहीं होने देगा अगर वहां पे थ्रोम्बस हुआ है ठीक है उस थ्रोम्बस को क्या करेगा डिस्ट्रॉय करेगा वहाँ से उसको खाएगा ठीक है लेट मी ड्रॉ हियर इन अदर वेन फॉर यू गाइज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सपोज ओवर वेयर वी हैव अ वेन और इस पार्ट के ऊपर हम शो करेंगे किसको पहले वाले को हाइपर कोगुलेशन को सही है हाइपर कोगुलेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस ठीक है ये हो गया है और अगर यहां पे ऑलरेडी फॉर्मेशन हुई है तो इसको डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है ठीक है दे विल गेट डिस्ट्रॉय दिस डिस्ट्रक्शन को हम कर रहा है कोगुलेंट इंजाइम ठीक है कोगुलेंट इंजाइम के अंदर हमारे पास फिर से हम दो चीजों को देखेंगे द फर्स्ट वन इज ये हमारे पास होती है कोगुलेंट इंजाइम इंजाइम सी एंड एस ठीक है सेकेंड वन इज थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन थ्री ठीक है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजाइम जो कोगुलेशन यू नहीं देते और ये जो प्लेग बना होता है इसको खाना शुरू करते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं अगर इसकी डिफिशेंसी हुई और ये वाले इंजाइम जो है इंक्रीज होंगे तो देयर विल बी हाइपर कोगबिलिटी सिचुएशन ठीक है दैट्स वाई हम इन दो चीजों को देखते हैं डोंट फॉरगेट अबाउट दिस दिस इज आल्सो जेनेटिक इन नेचर ठीक है अगर म्यूटेशन होती है डीएनए की तो दे विल लीड टू द सिचुएशन ठीक है ओके नेक्स्ट वन ये तो हमने देखे इसके जेनेटिक कॉजे अब हम देखते हैं में, अगर एक्वायर्ड हो जेनेटिकली ना हो बल्कि बाद में हुआ हो तो एक्वायर्ड सिचुएशन कौन कौन से हो सकते हैं? डोंट फॉरगेट अबाउट योर प्रेगनेंसी अगेन प्रेग्नेंसी और ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स OCPs, oral pills. दोनों का काम क्या है वो होगा ठीक है एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है फैक्टर फाइव को प्रोथ्रॉम को इसको एक्टिवेट कर देता है एंड देशन ऑफ प्लॉट ठीक है उसके अलावा कोई भी कैंसर हो सकता है कैंसिरियस एजेंट अगर बॉडी के अंदर हो तो वो भी कॉबुलेशन कॉज कराते हैं हम देखते हैं कॉमन कैंसिियस एजेंट जो कि ज्यादा कॉज करते हैं इतनी ज्यादा वैसे ये नहीं होते रियर होते हैं इसके अंदर पल्नरी में बट होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं लंग्स प्लस पेंक्रियाटिक कैंसर ये क्या करते हैं अगेन दे विल लीड टू द क्लॉट फॉर्मेशन ड्यू टू डिफरेंट कैंसरियस एजेंट्स ठीक है थर्ड वन इज थर्ड वन इज़ नेफ्राइटिक सिंड्रोम नेफ्राइटिक सेंड्रोम हम इसको रीजनल फिजो सॉरी रीजनल पैथोलॉजी में ज़्यादा डिटेल से देखेंगे ठीक है सोम लेक्चर आ रहे हैं इसके नेफ्राइटिकंड्रोम नेफ्राटिक सिंड्रोम सारे हम देखेंगे लेकिन फॉर अल यू कैन ट्रस्ट मी नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है एंटीबॉडीज़ बनते हैं डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के हैं ठीक है इम्यून में डेटेड हो सकती है इन्फेक्शंस हो सकते हैं वहां पे ठीक है डिफरेंट टाइप हो सकते हैं इसके इसकी इंजरी के ठीक है इसमें क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारे ग्लुमरूल्स की वो क्या होती है डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि नेफ्रॉन के अंदर जितने भी प्रोटीन्स आते हैं उसको दोबारा फिल्टर करके रीअब्ज़ॉर्ब किया जाता है ठीक है उसको नहीं बल्कि फिल्टर होने नहीं देते वो रीअब्जॉर्ब करते हैं उसको दोबारा सर्कुलेशन में भेज देते हैं इन केस ऑफ पैथोलॉजी अगर बेसमेंट मेम्बरेन डैमेज हो जाए बेसमेंट मेम्बरेन के डैमेज होने की वजह से क्या होता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ बेसमेंट मेम्बरेन उसकी वजह से प्रोटीन जो है लीक होना शुरू हो जाते हैं और वो यूरिन में आते हैं द मोस्ट कॉमन प्रोटीन सीन इन नेफ्राइटिकंड्रोम दैट इज नॉन एज एंटीथ्रोम्बिन थ्री अगर हम इन एंटाइथ्राम्बिन थ्री की डिफिशेंसी करा रहे हैं तो दे विली टू दलॉट अगेन दिस इज अबाउट द नेफ्राइटिक सिड्रोम ओके एक और बहुत कॉमन चीज है उसको हम कहते हैं एंटी फॉसोलिपिड सेंड्रोम एंटापेड सेंड्रोम ए पी एस जैसे हमारे सिस्टमिकटस होता है ठीक है सेम जो एंटाइफोसोलिपिड सेंड्रोम होते हैं इसमें क्या होता है एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं लेकिन किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज विल फॉर्म अगेंस्ट द इंजाइम सी एंटीकोगुलेंट इंजाइम सी एंड एस अगर इसकी डिफिशेंसी होगी तो क्या होगा अगेन दे विलीड टू दलॉट फॉर्मेशन क्लियर ओके नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सम होता है कि हम हेपरिन देते हैं नॉर्मल है कोगुलेशन नहीं होने देता बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हेपरिन की वजह से ही वहां पे क्लॉटिंग होती है कैसे और वहाँ पे हमें समझ नहीं आती कि exactly हो क्या गया है ठीक है दैट कंडीशन इज नॉन एज हैपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ठीक है अब इसमें क्या होता है जब हम हैपेरिन देते हैं हैंपेरिन क्या करता है वो जब एक्ट करता है इसके ऊपर अपने जो हमारे रिसेप्टर्स है उसके ऊपर एक्ट करके वो एक्टिवेट करता है कि इसको फैक्टर फोर को जब हमारा फैक्टर फोर एक्टिवेट हो जाता है ये क्या करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन करा देता है प्लेटलेट एग्रीगेशन अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो क्या होगा ढेर सारे प्लेटलेट वहां पे इकट्ठे होंगे कम्बलेशन मोर प्लेटलेट्स अगर मोर प्लेटलेट्स आते हैं तो इसके ऊपर क्या होगा अगेन फाइब्रिन शीट बनेगी और वहां पे क्या होगी क्लॉट फॉर्मेशन होगी सही है so heparin induced thrombocytopenia is also lead to the clot but how due to the activation of factor 4 which will lead to the platelet aggregation due to platelet aggregation it will lead to the formation of clot this is all about the hypercoagulability state हमने देखा जेनेटिक कॉज देखे हमने और उसके साथ हमने एक्वायर्ड में भी देखा जेनेटिक में हमने देखा कि या तो प्री कोगुलेंट इंजाइम ज़्यादा होंगे जो कि कोगलेशन को कॉज करेंगे ठीक है उसमें हमने देखा फैक्टर फाइव लेडन और प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन ठीक है वो और अगर हमने देखा कि या तो हो सकता है जेनेटिक कॉज में कोगुलेंट इन्ज़ाइम जो है वो उसकी डिफिशेंसी हो जाए उसमें हमने देखा एंटी सी इन्ज़ाइम और सॉरी एंटी कोगुलेंट इन्जाइम सी एंड एस और फिर हमने इसके साथ देखा सेकंड वन जो है थ्रोम्बिन थ्री अगर इसकी भी डिफियंसी होती है तो क्या होगा दे विल लीड टू द हाइपर कोगोबल स्टेट सही है नेक्स्ट एक्वायर्ड एक्वायर्ड में क्या था हमने देखा प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के साथ साथ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेगनेंसी के अंदर भी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और अगर दोनों एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करें इट्स मीन दे आर इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ठीक है किसकी फैक्टर फाइव और प्रोथ्रोम्बिन की अगर वो दोनों एक्टिवेट होंगे तो क्या होगी क्लॉट फॉर्मेशन होगी या हमने देखा कि अगर कैंसर है लंग्स कैंसर या पेंक्रियाटिक कैंसर लंग्स और पैंक्रेटिक कैंसर के अंदर क्या होता है कि कैंसरियस एजेंट होते हैं बॉडी के अंदर जो कि एक्टिवेट करते हैं किस को को बट द मैकेजम इज स्टिल अननोन ओके सिंड्रोम नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या होता है एंटाइथ्रोम्बिन थ्री जो है सिंड्रोम में सबसे पहले हमने कहा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होती है जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स होते हैं वो फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं और डायरेक्ट आते हैं किस में यूरिन में रीअब्जॉर्ब नहीं होते और स्पेसिफिकली एंटाइथ्रोम्बिन थ्री जो है उसका लॉस होता है अगर इसका लॉस होगा तो क्या होगा अगेन विल लीड टू द द्लॉड फॉर्मेशन वाई वी आर डिक्रीजिंग द एंटाइथ्रोम्बिन थ्री और ये क्या है जेनेटिक के अंदर भी तो यही चीज़ हो रही थी हमारे पास नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं अगेंस्ट द जो enzyme है सी एंड एस ठीक है प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस इसके अगेंस्ट बनते हैं एंटाईबॉडीज ठीक है आगे वो क्या करते हैं इसके अमाउंट को डिक्रीज करते हैं जब डिफिशियंसी होगी लीड टू द द्लॉट वाई बिकॉज रिजॉर्पन ही होगी यहां से सही है और हैप्पर इन इंड्यूस थ्रोमोसाइटोपिनियम में हमने देखा कि वो जब एक्ट करता है तो एक्ट जो हमारा फैक्टर फोर होता है उसको एक्टिवेट करता है जो कि प्लेटिक एग्रीगेशन करवाता है प्लेटेश एग्रीगेशन होगी तो क्या होगा वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कोकोबिलिटी वन द लास्ट वन इज एंडोथीलियल इंजरी लेट मी एक्सप्लेन ओवर हेयर बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस मच स्पेस देयर एंडोथीलियल सेल इंजरी जो है किस की वजह से हो सकती है ये हो सकती है सबसे पहले स्मोकिंग की वजह से क्योंकि तुम्बाको जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एंडोतीलियल सेल्स के ऊपर एंड दे कैन कॉज इंजरी ठीक है सो द फर्स्ट वन इज स्मोकिंग सेकंड सेकंड जो है इसका कॉज ओबिजिटी ओबिजिटी द सेकंड कॉज व्हाई दे आर रिलीजिंग इंटरल्यूकिन सिक्स ठीक है सिक्स को रिलीज करता है जो कि मीडिएटर्स है और उसको क्या करता है इंडोटीलियल सेल की इंजरी करवाता है थर्ड कोई भी कैथेटर ठीक है आईवी कैथेटर जो है अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होती है इंडुतिलियल सेल की इंजरी होती है द लास्ट वन इज कोई भी सर्जरी हो माइनर हो या फिर मेजर सर्जरी ठीक है सर्जरी सर्जरी ठीक है हो सकता है आप सी सेक्शन कर रहे हैं या कोई और सर्जरी कर रहे हैं उसकी वजह से भी क्या होती है एंटोतीलियल सेल की इंजरी होती है अगर इंडोतीलियल सेल की इंजरी होगी अगेन दिस मैकेनिज्म वेयर को ट्राईड जो है ये एक्टिवेट होगा और इंडोतीलियल सेल की इंजरी कैसे लीड करती है अगेन अगर इंटोतीलियल सेल की इंजरी होगी जैसे कि हमें पता है लेट सपोज यू आर हेयर वी हैव अ ब्लड स्ट्रीम ठीक है इमेजिनरी ब्लड स्ट्रीम सही है और दिस ब्लड स्ट्रीम इज हाईली पैक्ड ड्यू टू एपिथीलियम सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम होता है इसके ऊपर ठीक है लेट्स सपोज हमने इस पार्ट को इंजर कर दिया है ठीक है इंजरी के बाद क्या होगा वी हैव मास सेल ओवर हेयर ये क्या करेंगे ये मीडिएटर केमिकल मीडिएटर को रिलीज करेंगे सेलर मीडिएटर रिलीज होंगे ठीक है सेलर मीडिएटर अब डिफरेंट होता है हिस्टामिन हो सकता है सेरिटेनिन हो सकता है नाइट्रिक nit ऑक्साइड हो सकते हैं ठीक है डिफरेंट वेजो हो सकते हैं और वो क्या करते हैं इसकी डायलेशन कर देते हैं अगर डायलेशन होगी तो गैप बनेंगे गैप बनेंगे अगेन यू आर ब्लड फ्लो जो कि टर्बलेंस जो लेमिनार फ्लो होता है वो क्या होगा टर्बलेंस फ्लो अगेन वायलेशन ऑफ द ब्लड फ़्लो एंड देयर विल बी स्टेसेज इनिशियल स्टेजेस पे एंड ब्लड विल प्रूटी, प्लाज्मा प्रोटीन विल आल्सो लीक ठीक है उसकी वजह से क्या होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इसकी पैथो जो है इसकी पैथोजेनेसिस क्या है पैथ फिजियोलॉजी हम इसको डिस्कस करते हैं इस सारे तो इसके तो लॉजिकल फैक्टर्स थे अब हम देखते हैं कि सब चीजें कैसे कॉज करती है किसको प्लॉट फॉर्मेशन ठीक है हम पैथोजिनेसिस देखते हैं इसकी वन बाय वन